केरल के कोषिकोड में हुए विमान हादसे के बाद अब नेपाल और पाकिस्तान ने क्या प्रतिक्रिया रखी है, वो आपको दिखाएंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे कि को पायलट अखिलेश शर्मा के मारे जाने के बाद उनके पिता ने क्या कुछ कहा, किस तरह से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। तो चलिए दिखाते हैं इस खबर में। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। केरल के कोषिकोड एयरपोर्ट के रनवे पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान बड़े हादसे का शिकार हो गया। वंदे भारत मिशन के तहत ये विमान दुबई से भारत आ रहा था, लैंडिंग के दौरान विमान रनवे पर फिसल गया, रनवे से 35 फीट तक फिसला और फिर नीचे गिर गया, इसके दो टुकड़े हो गए। इस विमान में 190 लोग सवार थे, जिसमें से दोनों पायलट समेत 18 लोगों की मौत हो गई। पायलट अखिलेश शर्मा ने भी अपनी जान गंवा दी, जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले थे। अखिलेश शर्मा के पिता ने क्या कहा, सबसे पहले ये आप सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरे नाम तुलसीराम। तुलसीराम जी, अखिलेश जी आपके कौन लगते थे? बेटा है, बड़ा। अच्छा, एयरप्लेन जो क्रैश हुआ है जहाज, उसमें उनकी अच्छा, कैसे आपको सूचना कैसे मिली? आप वहीं से फोन आया था। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? यही बताई, सीरियस हालत है, सीरियस हालत है। अच्छा अच्छा, वहाँ पे कौन गया है? भाई गया है उसका छोटा, और मेहमान गया। इस घटना के बाद दुनिया के कोने कोने से दुख जताया जा रहा है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्वाली ने लिखा, कल रात भारत के केरल में एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर से गहरा दुख पहुंचा। नेपाल शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता है और उन घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता है। यही नहीं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के इमरान खान ने भी इस घटना पर अपना दुख जताया है और लिखा कि केरल राज्य में एयर इंडिया के विमान दुर्घटना के बारे में जानने के बाद बड़ा दुख हुआ, कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अल्लाह इस कठिन समय में शोक संतप्त परिवारों को शक्ति दे। भारत में जापान के राजदूत सतोशी सुजुकी ने ट्वीट किया है, कोचिकोड में एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान क्रैश पर उन्हें बहुत दुख है। जिन लोगों ने अपने परिजन इस हादसे में खोए हैं, उनके साथ सतोशी ने संवेदना व्यक्त की है और जल्द से जल्द राहत और बचाव कार्य पूरा होने की उम्मीद जताई है। अमेरिका के राजदूत केन जस्टर ने कहा है, हादसे के बारे में सुनकर काफी दुख हुआ, मैं कामना करता हूं कि जो लोग घायल हैं वो जल्द स्वस्थ हो जाएं। आपने देखा कि दुनिया से क्या प्रतिक्रिया आ रही है, दुनिया के बड़े देश क्या कह रहे हैं। अमेरिका ने अपनी प्रतिक्रिया रखी, वहीं सबसे बड़ी बात कि नेपाल और पाकिस्तान ने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी है। और सबसे बड़ी बात यह भी आपको समझनी चाहिए कि आज इमरान खान ने ट्वीट कर गहरी संवेदना जताई है, लेकिन इमरान को यह समझना चाहिए कि जिस तरीके से वो भारत के अंदर अपनी घुसपैठ लगातार जारी रखता है, लगातार हमारे नियतों पर हमला करता है, उसको तो संवेदनाएं व्यक्त करनी भी नहीं चाहिए थी। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात पे बाखअंदाज में करते रहेंगे। नमस्कार।